अस्सलाम वालेकुम। कॉलेरा, जिसे हम अपनी ज़ुबान में हिज़ा भी कहते हैं, ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को कहते हैं, जो पानी या खुराक में मौजूद एक ख़ास बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉलेरा के केस में फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और स्टूल के साथ बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। अक्सर औकात कॉलेरा के पेशेंट्स में कोई ख़ास सिम्टम्स अपेयर नहीं होते। अलबत्ता कुछ केसेस में कॉलेरा की वजह से बॉडी से इतने ज़्यादा फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज हो जाते हैं कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है और स्किन का कलर ब्लू होने लग जाता है, जिसे ब्लू डेथ भी कहा जाता है। इस कंडीशन में अगर कॉलेरा को फौरन से ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि कॉलेरा क्यों और कैसे होता है। कॉलेरा ह्यूमंस में बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर कोई शख्स ऐसा खाना या पानी इस्तेमाल करे जिसमें विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया मौजूद हो, तो ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो इंटेस्टाइन के सेल्स पर अटैच होकर सेल्स में इंटर हो जाते हैं। ये टॉक्सिन सेल्स में ऐसे एंजाइम्स की प्रोडक्शन को एबनॉर्मल कर देते हैं जो सेल्स से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरह सेल्स से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लार्ज वॉल्यूम में रिलीज होने लग जाते हैं, जो इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बजाय स्टूल के साथ बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इस कंडीशन को कॉलेरा कहते हैं। सिम्टम्स, ज़्यादातर लोगों में कॉलेरा से कोई ख़ास सिम्टम अपेयर नहीं होते। अलबत्ता कुछ केसेस में अगर कॉलेरा को टाइमली ट्रीट ना किया जा सके तो ये कुछ घंटों के अंदर अंदर बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और ड्राइनेस ऑफ स्किन की वजह से बनता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कॉलेरा को डायग्नोज करने के लिए ज़्यादातर स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि स्टूल सैंपल में विब्रियो कॉलेराए को आइडेंटिफाई किया जा सके, जबकि कॉलेरा को ट्रीट करने के लिए रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स जैसा कि ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिप्स, एंटीबायोटिक्स और जिंक सप्लीमेंट्स वगैरह दी जाती हैं। ट्रीटमेंट के अलावा कॉलेरा से बचने के लिए वैक्सीन्स भी लगाई जाती हैं, जिनमें ड्यूकोरल, यूवीकोल, यूवीकोल प्लस, शांकोल और वैक्सकोरा शामिल हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।